आज हम बनाएंगे उड़द गोश्त। आइए रेसिपी बताते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप चक्के दिल्ली। आज की रेसिपी है हमारी उड़द गोश्त। आज बनाएंगे हम उड़द गोश्त। आइए रेसिपी बताते हैं। ये हमने उड़द ले ली है 500 ग्राम और इन्हें हमने भिगो लिया है। और ये हमने 750 ग्राम गोश्त ले लिया है और दो प्याज बारीक काट ली है, दो टमाटर बारीक काट लिए हैं, 10 से 12 हरी मिर्च इस तरीके से काट ली है, दो तेज़पात के पत्ते ले लिए हैं, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च। इन सब मसालों को मिलाकर हम बनाएंगे उड़द गोश्त। उड़द गोश्त बनाने के लिए हमने ये पानी ले लिया है। उड़द पहले बनाएंगे हम कुकर में। ये हमने डबल पानी लिया है। उड़द हमारी 500 ग्राम थी, इसमें डालेंगे उड़द, नमक डालेंगे, हल्दी, लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें हम 4 से 5 सीटी लगाएंगे जब तक ये गल नहीं जाएगी, जब तक इसे पकाएंगे। अब हम दूसरे कुकर में गोश्त बनाएंगे। इतने हमारी दाल गलेगी, इतने हमारा गोश्त भी बन जाएगा। इसमें डालेंगे गोश्त, टमाटर, प्याज, जीरा, लाल मिर्च, धनिया, नमक, हल्दी, हरी मिर्च और तेज़पात के पत्ते और लहसुन अदरक 1 चम्मच। अब इसमें तेल डालेंगे 2 चम्मच। अब इसे मिक्स करेंगे। और इसमें भी 2 से 3 सीटी लगाएंगे जब तक गोश्त गल नहीं जाएगा। इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और गोश्त को पकने देंगे। उड़द बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए इस तरीके से उड़द बन गए हैं। उड़द को बनने में 20 से 25 मिनट लगे हैं। गोश्त को बनते हुए 10 से 15 मिनट हो गए। हम चेक करेंगे हमारा गोश्त गला है या नहीं। गोश्त गलकर तैयार हो गया है। अब इसे भूनेंगे और इसमें डालेंगे गरम मसाला। चार से पाँच मिनट तक भूनेंगे अच्छे से। गोश्त भूनकर तैयार हो गया। देखिए इस तरीके से हमने गोश्त को भून लिया है। अब इसे हम उड़द में मिला देंगे। गोश्त को अब हम उड़द में मिला देंगे। इसमें गोश्त को हमने इसमें उड़द में मिला दिया है। अब 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएंगे। उड़द गोश्त बनकर तैयार है। देखिए अब इसे हम सर्व करेंगे। इसमें हरा धनिया डालेंगे। और अब सर्व करेंगे। उड़द गोश्त बनकर तैयार है। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है और सभी घरों में बनाई जाती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर करना और कमेंट में बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय, टाटा।